ठाकुर जी बहुत मीठा बोलते हैं, जब बोलते तब ऐसे लगता है जैसे कि कानों से हम मधु पी रहे हैं, हनी पी रहे हैं, उतना मीठा बोलते हैं। और मीठा बोलने के सिवाय उन्हें और कुछ आता ही नहीं है। अगर कोई केक खा रहा हो, आप केक कहीं भी से कहीं से भी खाओ मीठी ही लगेगी। आप ये वाला पीस लो या वो वाला पीस लो, नीचे से लो या ऊपर से लो, आप फ्रिज में रखने के बाद खाओ या बाहर में रख के खाओ, आप थर्सडे को खाओ या फ्राइडे को खाओ, केक मीठा ही होता है। केक का गुण कभी चेंज नहीं होता है। उसी तरह से ठाकुर जी कैसे भी परिस्थिति में मीठा ही बोलते हैं। इनफैक्ट वो वृत्तांत आता है जहाँ पे भृगुमुनि भगवान को लात मार देते हैं छाती पे, फिर भी ठाकुर जी मीठा बोलते हैं, अरे तुमको लगा तो नहीं, मेरी छाती तो बहुत कठोर है और तुम्हारे पैर बहुत कोमल है। तो भगवान हर परिस्थिति में मीठा ही बोलते हैं। इनफैक्ट इवन जब कालिया सांप को भगवान मारते हैं अपने पैरों से, फिर भी बोलना क्या कहते हैं, भगवान बोलते हैं, ओ किंग ऑफ स्नेक्स, अरे मैं राजा हो तुम, सर्पों के राजा, तुम्हें बहुत दर्द हुआ क्या, ऐसा कहते हैं ठाकुर जी। अब ऑफकोर्स कोई सोच सकता है, पर ठाकुर जी ने फिर मारा क्यों उसे? नहीं, एक डॉक्टर को तो चाकू लेके स्टमक को काटना ही पड़ेगा अगर ट्यूमर निकालना है तो। डॉक्टर गुस्से से नहीं काटता है स्टमक, प्यार से काटता है, क्योंकि उसे उस रोग से बचाना है पेशेंट को। तो ठाकुर जी भी जब कालिया के फेन पे नाच रहे हैं या उसे दंड दे रहे हैं तो गुस्से से नहीं दे रहे, वो उसे प्रेम करते हैं तो प्रेम से दे रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर में जो ईर्ष्या है, अभिमान है, उसको बाहर निकाल के फेंकना है। पर बोलना, ठाकुर जी उसके साथ इतनी प्यारी तरह से बात करते हैं, अरे तुम्हें लग रही है क्या, तुम्हें मैंने बहुत पेन दिया। तो ये भगवान का स्वभाव है। प्रियं वदा, बहुत ही मीठा बोलते हैं। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम, वसनम मधुरम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम।